बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टी की ना यार बेसिकली दो एग्ज़ाम है, टी की दो एग्ज़ाम है। नंबर वन पे है इक्वल टी और नंबर दो पे है रिड्यूसिंग टी। इसे नॉन इक्वल टी भी बोलते हैं। कैसे पता चलेगा? ये चीज़, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों साइडें इक्वल हैं, इसी वजह से हम इसको इक्वल टी कहते हैं। इसको इक्वल थ्रेड टी बोलेंगे, ठीक है। टी की दो एग्ज़ाम है, उन्हें बोलें कि ये थ्रेडेड इक्वल टी है। कैसे इक्वल टी है? वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, थ्री साइड इज़ इक्वल। इसी बेस पर जो है वो हम इसको इक्वल टी जो है वो बोलते हैं। नॉन इक्वल टी, कुछ लोग इसको रिड्यूसिंग टी भी बोलते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये नॉन इक्वल टी है, रिड्यूसिंग टी। ये इसका जो है डाया है वो कम है, ये वाला जो है ज़्यादा है, ये वाला भी ज़्यादा है, इसी वजह से इसे रिड्यूसिंग टी बोलते हैं। अब वन डेढ़, इसका मतलब क्या है? ठीक है जी, ये आधी इंच की लाइन पर लगेगा, यहाँ पर वन इंच की लाइन आ जाएगी। ये इसकी मेजरमेंट लिखी हुई है। ये है हमारे पास रिड्यूसिंग टी और ये है इक्वल टी। अब हमारे पास ये वाली देखें, इक्वल टी है। इसकी तीनों साइडें जो है, वन साइड, टू साइड और तीन साइड, ये जो है वो इक्वल है। इसको हम इक्वल टी कहते हैं, ठीक हो गया। इसको इक्वल टी बोलते हैं। अब ये वाली जो है, ये रिड्यूसिंग सॉकेट टी है, रिड्यूसिंग सॉकेट टी। ये देखें, इसका डाया ज़्यादा है, इसका डाया कम है, ये रिड्यूसिंग में सॉकेट में आ जाएगा। सॉकेट बनी हुई है, ये वाली सॉकेट बनी है, ये वाली भी सॉकेट बनी हुई है, इसी वजह से हम सॉकेट टी बोलते हैं, ठीक है। सॉकेट रिड्यूसिंग टी, इसकी तीनों साइडें नॉन इक्वल में आ जाएंगी। तो यानी कि ये नॉन इक्वल में है, ये दोनों साइडें जो है वो सेम है, ठीक है। डाया भी रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पाइप अंदर डालकर जो है वो हम इसको वेल्डिंग कर देंगे। ये टी के मतलब क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। टी की कितनी एग्जाम है आपने बतानी है? दो एग्जाम है, इक्वल टी और नॉन इक्वल टी।